गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावय कोई संतन जस कछ सुनऊ तुम्हें सुना सोई। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान सच्चिदानंद के चरणारविंदानुरागियों कथा का आज द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। कल कथा गुरुपद बंदों गुरुपद पदुम परागा, आज कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ पूरा रामचरित मानस दर्पण पर ही है। दर्पण पर ही रामचरित मानस का निर्माण किया गया। दर्पण माने ऐनक, दर्पण देखना। गोस्वामी तुलसीदास जी से संतों ने पूछा कि आपके राम को देखने के लिए क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दो वस्तु जिसके पास है वो हमारे राम को देख ले सकता है। दो वस्तु चाहिए आप राम को यदि देखना चाहते हैं तो क्या क्या। माने दर्पण यदि मलिन हो जाए, कालिक लग जाए तो उसमें मुंह दिखाई नहीं पड़ेगा, हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए दर्पण साफ हो और नेत्र हो तब देख सकते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें कि मिदीना। हृदय रूपी दर्पण में राम को देखने के लिए हमको क्या चाहिए कि तब लगे हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभाथा। जब तक वो धनुष बाण धारी इसमें नहीं आके बैठते, जब तक धनुष बाण धारी इसमें आके नहीं बैठते तब तक ये जीव का जो दर्पण है नहीं दिखाई पड़ता। धनुष बाण धारी को बैठाने के लिए हृदय को स्वच्छ स्वच्छ रखना होगा। वो कहते हैं कि मुझे पाने के लिए कौन पा सकता है, मैं किसको भाता हूँ, मुझे कौन अच्छा लगता है। भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि निरमला माना जाना सो मोही का I love you।
मोही कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो जिसका हृदय स्वच्छ है वही मुझको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई मुझे प्राप्त करने वाला नहीं है, मैं उसको नहीं मिल सकता हूँ। भगवान राम के मुख मलिन मलिन हृदय को देखना यदि चाहते हैं तो भाई ऐनक को दर्पण को स्वच्छ रखो, तब दिखाई पड़ेगा। आइए रामचरितमानस में दर्पण दिखाने वाला ही राक्षस होता है। जो दूसरे को दर्पण दिखाता है वो राक्षस है, और जो स्वयं देख लेता है वही संत है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार नारद जी कहाँ गए, तपस्या कर रहे थे। एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी, वहाँ जाके तपस्या कर रहे थे। लेकिन देवताओं के राजा जो हमारे यहाँ इंद्र हैं, इनको अच्छा नहीं लगता किसी का जग तपस्या, उसे भेद करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेज दिया। और कामदेव ने वहां जाकर के क्या किया, तेही आश्रम ही मदन जब गयो, तेही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया पसंद निज मयो, काम कला कछु मुनि न जाती, काम कला कछु मुनि न जाती, निज भव डरउ मन कला कुछ मुनि, जाकर के बसंत का निर्माण कर दिया, कामदेव को भेज दिया, जाकर के उनकी तपस्या भंग करो। लेकिन जानते हैं जिसको ऊपर वाले रक्षा करने वाला हो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, किसी में को चापी सकई कोई तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। जिसको बड़े ऊपर वाले रक्षा करने वाले हैं उसको कोई नीचे वाला बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए राम जी का साथ था, भगवान विष्णु के उपासना में थे, इसलिए काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, कुछ नहीं कर सका नारद जी को। तब नारद जी आए, नहीं ये इंद्र के सभा में आया और पूछा इंद्र ने कि क्या किया। नारद जी कहते पसया कहा कि नहीं, मुनि सुशीलता यापन करनी, असुरपति सभा जाई सब बरनी। जाके कहा कि मुनि इतने संत हैं कि हम पर क्रोध नहीं किए, हम इतना उनको तंग किया फिर भी मुझ पर क्रोध नहीं किया, और महात्मा जी इतने संत हैं और हम अपनी करनी आपको क्या बतावें। लेकिन हुआ क्या कि जब मानव को थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। काम तो समाप्त हुआ लेकिन अहंकार आ गया। काम क्रोध और मोह ये तीन वस्तु हमारे शरीर के अंतर्गत हैं। तो यदि काम आपसे समाप्त हो गया तो क्रोध और अहंकार रह गया तो काम को बुला लेगा। तीनों में इतना गट्स है, इतना मेल है कि एक भाई को अलग कीजिएगा, दो भाई यदि एक साथ है तो तीनों को एक में मिला लेगा। काम पर भी प्राप्त कर लिए और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिए। तो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए, दो चीज पर विजय प्राप्त कर लिए, अहंकार रह गया शरीर के अंतर्गत। अहंकार रह गया तो गए कहाँ, गए सोचने लगे नारद जी, दर्पण इसी को कहते हैं। नारद जी सोचने लगे कि शंकर जी ने भी काम को जरा दिया था लेकिन क्रोध करके जलाया, और हम तो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए शंकर जी से बड़े हो गए और भगवान विष्णु के बराबरी का हो गए हैं। तो चले शंकर बाबा के पास, और भोले बाबा जो हैं हमारे भोले बाबा राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए वहाँ गए नारद जी, वहाँ गए शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास जाकर के काम चरित शंकर ही सुनाए, काम चरित शंकर ही सुनाए, महेश
बार बुनवाऊं तोरी, बार बार बिनवाऊं मुनि तोरी, दिव्या कथा सुनाऊं मोही, दिव्या रिसनन सुनाऊं कब हूं, सुरत चलऊं प्रसंग दुरायऊं कब हूं, चलऊं प्रसंग बार बार आपको प्रार्थना करते हैं आप, बार बार आपसे हमारा निवेदन है कि सरकार आप ये कथा भगवान के सामने न कहिएगा, चलाएंगे भी प्रसंग तो मत कहिएगा। नारद जी कहे कि ओ, ये समझ रहे हैं कि हमसे बड़े हो गया, अहंकार मानव को पतन की ओर ले जाता है बंधु, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हम अहंकारी ना हो जाए, अभिमानी ना हो जाए, स्वाभिमान हमारा रहे, स्वाभिमानी हो लेकिन अभिमानी ना रहे, अहंकार ही मानव का पतन की ओर ले जाता है। नारद जी सफर के गए भगवान विष्णु के यहाँ और एक बार करतलवर बीना गावत हरिगुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास स्तुति गाथा। लेकिन प्रभु तो पग बिनु चले सुने बिनु काना, भगवान सुन लिए कि नारद यदि आके प्रणाम कर लेंगे तो हमारे बराबरी का नहीं रहेंगे, फिर नीचे हो जाएंगे, इसलिए हरसि मिले उठी रमा, प्रणाम करने का मौका नहीं दिया, हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि में समेता, बैठाए अपने आसन पर, क्या अब तो हमारे बराबरी का आप हो गए, कोई बात नहीं है, और बराबरी का बना करके अब तब कहे कि बहुत दिनन पर किन्ह उदाया, बहुत अब तो मैं दया करता था लेकिन आपकी दया आज बड़ी दिन पर हुई, क्या कारण है आप यहाँ आ गए। नारद जी अहंकार बोल रहा है, नारद जी क्या कहें कि काम चरित नारद पुनि भाके अजदपि प्रथम बरदि शिव राखे। शंकर जी मना किए थे फिर भी काम चरित उन्होंने वहां भगवान के सामने कर दिया कि काम पर हम विजय प्राप्त कर लिया, भगवान का रुख तो बदल गया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कहे रूख बदन कर मृदुन, रूख बदन मृदु बदन कही नारद सुनहू हमार, तुमरे सुमिरन ते मिटही काम को हम दमार। कहे अब तक तो हमारे सुमिरन करने से काम क्रोध मोह पर लोग विजय प्राप्त करता था, लेकिन नारद जी अब आपके सुमिरन करने से ही सब प्राप्त हो जाएगा क्योंकि आप हमारे बराबरी का हो गए। अब नारद जी का अहंकार बोल रहा है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कह उचित अभिमाना, नारद में नारद जी कहे सरकार सब आपकी कृपा है। भगवान कहे कि ठीक है, बेगी सहो डारी हो उफारी पन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहे हमारे उरंग करो गर्व तरु भारी, हमारे भक्त के हृदय में गर्व का अंकुर हो गया है, ताड़ का पेड़ जन्म ले लिया है जो कबरने में बड़ा मुश्किल है, इसको जल्दी कबार के फेंकना पड़ेगा। अहंकार रूपी जो ताड़ का पेड़ है हमारे यहाँ तालपत्र, इसका जड़ बड़ा मजबूत है, भगवान कहते हैं अहंकार को जल्दी से कबार के फेंक देना है, इसलिए बीच में माया निर्माण कर दिया, माया की नगरी हो गई, कन्या हो गई, सब राजा लोग आने लगे, स्वयंवर होने लगा, नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे, नारद जी जा रहे थे, नारद जी का तो स्वभाव था। और नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो राजा शिरनिधि राजा ने कहा, महाराज जरा हमारी कन्या का हस्तरेखा देखिए, हस्तरेखा देखने में नारद जी की भूल हो गई। नारद जी ने सोचे कि हस्तरेखा में लिखा हुआ था क्या, यही जो बरई अमर सोई असमर भूमि तेही जीतन कोई, का इस कन्या को जो वरण कर लेगा, कन्या सोच रहे हैं कि कन्या जिसको वरण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा, हम तो विष्णु के बराबरी का हो गए हैं लेकिन अजर अमर भी हो जाएंगे यदि कन्या मिल जाती है,
विष्णु के पास भी लक्ष्मी है, हमको भी यदि एक लक्ष्मी आ जाएगी हमारा काम बन जाएगा। नारद जी सोचे कि अभी दाढ़ी मोछ पर हमारा विवाह तो होगा नहीं। बंधु ध्यान रखिएगा, बिना अगुआ के विवाह नहीं होता है। चार विवाह का प्रसंग आया रामचरितमानस में, दो विवाह नहीं हुआ, दो विवाह हो गया, दो विवाह हो गया और दो विवाह नहीं हुआ। नारद जी अब लड़की को चाह रहे हैं लेकिन लड़की नारद जी को नहीं चाह रही है। हनुमान ये नारद जी सोचे कि अब क्या करें, भगवान से मांगे, हरिशन मांगो सुंदरता ही, भगवान से सुंदरता मांगने के लिए आए। और भगवान जो है ऐसे है कैसे, तो प्रभु तपस्या करने वालों को बड़ी देर करते हैं, लेकिन नारद जी जब ही ध्यान किए तुरंत प्रगटे कौतुकी कृपाला, तुरंत आ गए प्रभु। अब नारद जी कहे कि प्रभु आपके समान हमारा कोई हित नहीं है सरकार, आप ऐसा कीजिए कि कुछ देर के लिए अपना स्वरूप हमको दे दिए। आपन रूप देव प्रभु मोहु, आन भांति नहीं पावो वो, दूसरे तरफ से हम पा नहीं सकते इसलिए आप स्वरूप अपना दे दीजिए। भगवान कहे कि ठीक है, हम तुमको कैसे हित हैं, हित नहीं हम तुम्हारे परम हित हैं, लेकिन कैसे हैं। कुपथरो जमांगहिनी जरोगी, कुपथरो जमांगहिनी जरोगी, भजन देहि सुनऊ मुनि जोगी, भजन देहि सुनऊ मुनि जोगी। का कुपथ है, रोगी को अच्छा लगता है लेकिन वैद्य नहीं देते हैं, यही इसी तरह के हम तुम्हारे हित है। असकई अंत रहित प्रभु गए, अंतर ध्यान हो गए। नारद जी सोचे कि अब तो प्रभु हमको अपना रूप दे दिए, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, बंदर का रूप बना देने से नारद जी सुंदर रह गए, नारद जी सुंदर हो गए बंदर के रूप मिलने से। यदि सुंदर बना देते तो नारद जी बंदर बन जाते, जैसे हम आप लोग बंदरे हैं क्या। अरे नारी भी बस नर सकल गुसाई, सकल गुसाई नाचत नत मर कटकी नाई, नाचत नत मर कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचत नत मर कटकी नाई, नाचत नत मर कटकी। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी मिल जाती तो नारद जी बंदर बन जाते, इसलिए नारद जी को बानर बना दिया। अब यही कारण है कि पंचपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बानर कांड को सुंदर कांड लिख दिया, सुंदर सुंदर कांड स्वामी, बानर कांड है लेकिन सुंदर कांड को स्वामी जी ने लिख दिया। नारद जी बंदर बन करके सुंदर रह गए, बानर बना दिए। और जब आए को यहाँ रूप लेकर के, तो अब नारद जी तो दिमाग में सोच रहे हैं ये बात, लेकिन लिखा हुआ क्या है कि यही जो बरई अमर सो होई, वह कन्या उसी को वरण करेगी जो अमर है पहले से। यही जो बरई अमर सो होई, समर भूमि तही जीतने कोई, उसको कोई जीतने वाला नहीं है, ऐसा पति इसका होगा। और ये सोच रहे कि हमको वरण कर लेगी तो हम सब हो जाएंगे, इसलिए नारद जी बैठे। लेकिन वहाँ जिस तरह के राजा लोग आए थे, स्वयंवर हुआ जयमाला लेकर के कन्या आई, और नारद जी जिस तरह बैठे हुए थे उधर की स्थिति क्या हुई कि जेही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी कन्या हेरी न भूली। जिधर नारद जी बैठे हुए थे फूल करके कि हमको वरण करेगी, उधर कन्या देखी भी नहीं, क्यों, देखा कि मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन है इनका, बंदर का स्वरूप है, तो इधर का है कि देखे सब राजा लोग। लेकिन नारद जी बैठे रहे, वहां दो गो गण बैठे हुए थे, शंकर जी के दो गण बैठे हुए थे, लेकिन यही विधि इसी समय में, अरे दुलही न लई गई लक्ष निवासा, दुलही न लई गई लक्ष निवासा, समाज सब भय उदासा, समाज सब भय उदासा। ये
इसी बीच में भगवान आए और दुल्हन लेकर के चले गए। नारद जी उदास हो गए और वो दोनों जो गण बैठे हुए थे उन लोगों का कोई काम था नहीं, नारद जी के केवल उपहास करने के लिए आए थे। पुण्य पुण्य मुनि उसका ही वकुला ही हरगण देख दशा उसका ही हंसते थे। और जब चले गए भगवान लेकर के तो नारद जी को उन लोगों ने कहा कि जरा अपना मुंह देखिए ना ऐनक में, ऐनक में अपना मुंह देखिए। दूसरे को ऐनक दिखाने वाला निशाचर होता है। नारद जी ने श्राप दे दिया, हो हूँ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हो हम सोले फल बहुरी हसे हो मुनि को। हमको जो हंस करके दिखाया तो तुम अब फिर कभी किसी मुनि महात्मा को नहीं दिखाइएगा। दर्पण देखने से दर्पण दिखाने वाला निशाचर होता है और जो स्वयं दर्पण देखता है वही संत होता है। तो रामचरितमानस पूरा रामचरितमानस दर्पण पर ही है। अयोध्या में दर्पण नहीं है, मणि का खंभा लगा हुआ है, सब खंभों में चित्र दिखाई दे रहा है और सोने की लंका है लेकिन वहाँ दर्पण नहीं है, वहाँ ऐनक नहीं है, निशाचरों की नगरी है, सोने की लंका है। तो भाई रामचरितमानस के माध्यम से आप लोगों को दर्पण पर मैंने दिखाया कि दर्पण ही जरूरी है जीवन में, दर्पण देखना जरूरी है। और इसी संबंध में फिर आगे की कथा कल होगी। भगवान का दो चार बार नाम संकीर्तन कर लें हम लोग झूम के। अरे श्री राम जय जय राम।